हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की बचपन में शादी हो गई है और बाद में बालिक होने के बाद अगर अगर उस शादी को वो नहीं आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो उस शादी को कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों, आज मैं यही जानकारी लेकर आपके सामने सामने हाजिर हूँ हमारे चैनल भारद्वाज लो टिप्स एंड गाइड में। तो वीडियो एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों, भारत में बाल विवाह अपराध माना गया है, लेकिन फिर भी देश में 18 वर्ष पूरे होने से पहले हजारों लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। ऐसे में क्या होता है कि जो नाबालिग उम्र में शादी होती है उसमें लड़का और लड़की दोनों को आगे चल के बहुत परेशानियां होती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत कानून का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि उसको मदद मिल सके। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जो अपनी शादी नहीं चलाना चाहता आगे, उस व्यक्ति को जो अपनी शादी है उसको अवैध घोषित करवानी होती है जिला न्यायालय में अर्जी डालकर। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अगर आपको अपनी शादी अवैध घोषित करवानी हो जो कि आपकी नाबालिग उम्र में हुई थी, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप 18 साल के जब आप हो जाते हैं तो उसके लिए आपको 18 साल के होने के बाद और 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी शादी अवैध घोषित करवानी होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर अगर आप नहीं करवाते हैं तो इसके लिए आगे चल के आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है। वैसे दिक्कत होती है बहुत अवैध घोषित करवाने में। ऐसे मामलों में कर्नाटक सरकार ने एक कानून पास किया था 2017 में। उसमें कर्नाटक सरकार ने ये कहा कि अगर किसी की नाबालिग उम्र में शादी हो जाती है तो वो जो शादी है उसको बाई कोर्ट अवैध घोषित करवाने की जरूरत नहीं है, वो शुरू से ही अवैध मानी जाएगी। मतलब उसको कोर्ट में जाकर उसको खारिज करवाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर किसी की नाबालिग उम्र में शादी हो जाती है तो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और किसी भी लीगल हेल्प के लिए हमारे सोशल साइट पर संपर्क करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।